इस वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग की सच्चाई जानने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आखिर करना क्या होता है, कितना काम रहता है एक डिजिटल मार्केटर को दिन में। मुझे 8 साल हो गए हैं डिजिटल मार्केटिंग करते हुए, मैंने इंडिया के टॉप स्टार्टअप्स, कुछ टॉप एजेंसीज के लिए काम करा हुआ है, काफी मिलियन डॉलर्स का एड स्पेंड करा हुआ है और मुझे एग्जैक्टली पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या काम होता है। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में फील्ड आता है गूगल एड। गूगल एड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर गूगल पे सर्च करते हैं आपको सबसे ऊपर एड दिखता है, आप यूट्यूब पे जाते हैं आपको वीडियो एड्स दिखते हैं, आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं आपको बैनर एड्स दिखते हैं साइड में नीचे ऊपर, ये सब एक डिजिटल मार्केटर करता है। गूगल के पास बहुत ज्यादा स्पेसेस है ऐड दिखाने के लिए और उसमें काफी डेटा एक्युमुलेट होता है, काफी चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं और काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना ऐड का स्पेंड, आप बजट पैसा कहां लगा रहे हैं अपने मार्केटिंग का और उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। गूगल एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर कोई भी डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में शुरुआत करना चाहता है तो मेरे हिसाब से उसको गूगल एड से पेड मार्केटिंग में शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा चैनल कोई नहीं है पेड मार्केटिंग में हैंडल करने के लिए। गूगल एड्स मार्केटिंग में काफी आपका डेटा यूज होता है और डिजिटल मार्केटिंग में डेटा एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप गूगल एड्स में अच्छा होना चाहते हैं और एक डिजिटल मार्केटर को उसमें काफी डेटा एनालाइज करना पड़ता है दिन भर में, तो आपको एक्सेल भी साथ में सीखना जरूरी है, क्योंकि आगे जितनी भी आप चीजें करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में एक्सेल के बिना काम नहीं चलेगा, डेटा एनालिसिस के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है और एक डिजिटल मार्केटर रोज करता है, रोज काफी सारी एक्सेल बनाता है, काफी सारा उसमें से डेटा निकालता है, एनालिसिस करता है, चार्ट्स बनाता है और अपने मैनेजमेंट को या सीनियर लोगों को या अपनी टीम मेंबर्स को बताता है कि उस डेटा से एनालिसिस में निकला क्या है। सेकंड फील्ड जो डिजिटल मार्केटिंग में आता है जो इंपॉर्टेंट है वो है फेसबुक एड्स और या सोशल मीडिया एड्स, जिसमें मैं आपको लिंक्डइन एड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप कोर एड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब इन सब प्लेटफॉर्म से आपको यह समझना जरूरी है कि आपको किस टाइप की ऑडियंस मिलेगी, किस टाइप की टारगेटिंग मिलेगी और लोगों की इंटेंट क्या है यहाँ पे, मतलब लोग क्या उस चीज को ढूंढ रहे हैं, क्या आपको प्लेटफॉर्म बताता है कि आप कैसे इन ऑडियंसेस को रीच कर सकते हैं। अगेन क्रिएटिव अपलोड करने से लेकर उनकी एज डिसाइड करने तक, सिटी वगैरह सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं और आप एग्जैक्टली एड्स रन करते हैं इन पे भी, बट अगेन डेटा काफी एक्यूमुलेट होता है। इसमें वर्किंग थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे गूगल में आपको सर्च एड्स दिखती है, वहां पे इंटेंट लोगों की ज्यादा होती है तो वो अलग होती है, यूट्यूब पे वीडियो एड्स होती है उनसे काफी अलग होती है सोशल मीडिया एड्स। आप इसमें लोगों को एड्स दिखा के अपनी वेबसाइट या आपकी तरफ पुश कर रहे होते हैं। अगर आपको ऐप इंस्टॉल एड्स दिखती है वो भी एक डिजिटल मार्केटर करता है। जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी एड्स आप रन कर रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है। अगर आप एक क्लिक भी मार रहे हैं उसका भी एक डेटा कलेक्ट हो रहा है और उसकी कैलकुलेशन, उसकी मैथ्स बहुत जरूरी होती है और एक्सेल और मैथ्स काफी सबसे ज्यादा, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग में। तीसरा जो फील्ड आता है अलग, जिसमें आपको कुछ काफी कुछ एफर्ट डालने पड़ते हैं, काफी टेक्निकल चीजें भी कुछ समझनी पड़ती हैं, वो है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग में ये समझना पड़ता है कि गूगल कैसे आपकी मेल्स को स्पैम मार्क करता है, कैसे उसको पता चलता है कि प्रमोशन में जानी चाहिए, प्राइमरी में जानी चाहिए। आपको दिखेगा आपके डिफरेंट टैब्स में, ईमेल के, जीमेल के डिफरेंट टैब्स में आपको डिफरेंट टाइप की मेल्स मिलती हैं। कुछ आपके ऑफिस के लोगों की पर्सनल मेल्स होती हैं, कुछ आपको कोई कंपनीज भेज रही होती है, कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिन्होंने आपका डेटाबेस कहीं से या तो लिया होता है या आपको मेल करते हैं और आपको पता नहीं था कि यार मैंने इस पे सब्सक्राइब ही नहीं करा। ये सब काम एक डिजिटल मार्केटर करता है। इसमें डेटा काफी निकलता है, कितने लोगों ने ईमेल ओपन करा, कितने लोगों ने आपके ईमेल पे ओपन करने का क्लिक करा, इस सब डेटा को एनालाइज करता है एक डिजिटल मार्केटियर और ये तीनों चीजें भी साथ में करता है। आगे जो चीजें बताऊंगा वो भी एक डिजिटल मार्केटियर जरूर करता है। सो मेरा काम भी दिन भर में ऐसा ही रहता है, मैं ये सब चीजें मैनेज करता हूं और इन सब का डेटा एनालिसिस एक्सेल में करता रहता हूं। चौथा आता है SMS। SMS आप किस टाइम पे भेजते हैं, ईमेल की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ट्राई की गाइडलाइन समझे कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, किस टाइप का SMS का टेक्स्ट जाना चाहिए, आपको कैसे किस टाइम पे SMS भेजना चाहिए, अगेन कितने लोगों ने क्लिक करा, ओपन रेट का डेटा नहीं मिलता है। इन सब के साथ साथ आप बिजनेस का डेटा भी निकालते रहते हैं हर एक चैनल पे, कितने आपने एड्स रन करे, कितने SMS भेजे, उसके साथ आपको कितना बिजनेस मिल रहा है, ये डेटा आप डे इन डे आउट आप करते रहते हैं एनालिसिस और समझते रहते हैं। पांचवी चीज जो आती है डिजिटल मार्केटिंग में वो आता है वेबसाइट एनालिसिस या आपका ऐप एनालिसिस। बेसिकली आपकी वेबसाइट पे यूजर्स क्या कर रहे हैं, ऐप के अंदर आपके यूजर्स क्या कर रहे हैं, क्या रिटेंशन है उनका, कितने लोग मतलब आपकी वेबसाइट पे आए, कुछ नहीं करा और चले गए, कुछ खरीदा नहीं। ई कॉमर्स में अगर आप बात करें तो ऐड टू कार्ट, मतलब कार्ट तक गए खरीदा नहीं, उनको आप कैसे रीच आउट कर रहे हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है, क्या ज्योग्राफी है, कहां से आ रहे हैं, सब पता चलता है, कौन सी डिवाइस, कौन सा ब्राउजर, वो सब डेटा आपको पता चल जाता है। इसके लिए काफी सारे टूल्स होते हैं, तो आप काफी सारे टूल्स पे अगेन एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स बनाते हैं। एक्सेल तो मैं कहूंगा कि यार एक्सेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद कुछ नहीं, अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है, अगर आपको एक्सेल अच्छे से आता है आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काफी आगे तक जा सकते हैं। सो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए एक वेबसाइट एनालिसिस का काम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसको रात दिन अगेन डेटा एनालिसिस करना होता है। ये जो पांच चीजें हैं ये हर दिन एक बंदा, एक डिजिटल मार्केटर, फुल टाइम डिजिटल मार्केटिंग गाय हमेशा हमेशा करता है। छठी चीज जो आती है वो आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप गूगल पे कुछ भी ऑर्गेनिकली सर्च कर रहे हैं, मतलब आप सर्च करते हैं ऐड के नीचे आपको जो भी रिजल्ट दिख रहा है वो भी एक डिजिटल मार्केटर ऑप्टिमाइज करता है। गूगल के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, काफी टेक्निकल फील्ड और काफी इनडेप्थ फील्ड है, अगेन इसमें डेटा और टेक्नोलॉजी दोनों
दोनों का तरीके से संगम है और काफी आपको चीजें समझनी पड़ती है। गूगल बहुत ईजी नहीं है, सर्च इंजन काफी मुश्किल हो जाते हैं समझने में कि यार वेबसाइट कैसे रैंक करें। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता, तो आपको हर एक चीज पे धीरे धीरे काम करना होता है और डे इन डे आउट अगेन आपको डेटा देखना होता है। मान लीजिए अगर आप कुछ भी सर्च करते हैं उसके हजार तरीके हैं, करोड़ों तरीके हैं, लोग कैसे सर्च करते हैं उसको, हर एक कीवर्ड के अगेंस्ट आपको एक डेटा मिलता है। आप कुछ भी अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च कर रहे हैं उसका भी एक डेटा निकलता है। डेटा कभी कभार लाखों करोड़ों रोज में चला जाता है एक्सेल में, कई बार इतना बड़ा डेटा होता है कि आप एक्सेल से काम ही नहीं कर सकते, आपको अपनी टेक या सॉफ्टवेयर डेवलपर की या डेटा साइंटिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है उस डेटा को समझने के लिए। लेकिन एक डिजिटल मार्केटर, एक असली डिजिटल मार्केटर इन सब के बिना काम नहीं कर सकता, एक्सेल और डेटा के बिना काम तो नहीं कर सकता। सातवीं चीज जो आती है वो आती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कि आपको सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट डालने हैं, कब पोस्ट डालने हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम ग्रोथ है, चाहे वो टिकटॉक ग्रोथ है, चाहे वो यूट्यूब ग्रोथ है, ये भी डिजिटल मार्केटर का पार्ट होता है। और ये वो देखता है कि डेटा, आज मेरे कितने फॉलोअर्स बढ़े, मेरे यूट्यूब वीडियोस पे क्या व्यूज आए, रिटेंशन का डेटा, एनालिटिक्स का डेटा, इंस्टाग्राम इनसाइट्स, ये सब भी अगेन एक डिजिटल मार्केटर करता है। जब एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा इतना एनालिसिस ऑलरेडी कर रहा है, इतना डेटा देख रहा होता है, तो उसको काफी चीजें इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में समझ में आने लग जाता है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे क्या नंबर्स हैं, मेरे को क्या एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल, कितने लोग मेरे एड्स पे क्लिक कर रहे हैं वर्सेस मेरे कितने लोग मेरे यूट्यूब थंबनेल पे या मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे व्यू कर रहे हैं, मेरे प्रोफाइल व्यू कर रहे हैं, इन सब का डेटा भी निकलता है। डे इन डे आउट आप इन चीजों को एनालाइज करते हैं और इस पर इंप्रूवमेंट करते हैं। क्रिएटिव कौन सा बनवाना है, अगर आपको कौन सी वीडियो दिखानी है वो आपको बताना पड़ता है कि ओके मेरे को ये वीडियो दिखानी है, मेरे को ये कंटेंट डालना है, उसकी एडिटिंग कैसे हुई है, ये सब एक डिजिटल मार्केटर बताता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट जस्ट बिकॉज कि उसको लग रहा है कि ये अच्छी चीज लग रही है इस पर लोग क्लिक करेंगे। नहीं, हिस्टोरिकली जो भी डेटा है वो सब एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा करता है। आठवां है एफिलिएट मार्केटिंग। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जो आप बेचना चाह रहे हैं और किसी और वेबसाइट के थ्रू आपको ट्रैफिक मिलता है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 10 रुपए का है और आपको एक वेबसाइट से ट्रैफिक मिलता है जहां से आपको सेल हो जाती है, और आप उस बंदे को 2 रुपए दे देते हैं क्योंकि उसके ट्रैफिक की वजह से आपको सेल हो गई। ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है ये कमीशन बेस्ड है और ये ऐसे ही काम करता है। मान लीजिए आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने किसी एफिलिएट वेबसाइट, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं बहुत सारी एफिलिएट वेबसाइट, या बंदा यूट्यूब के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आता है, आप उसको कमीशन दे देते हैं। अमेजन एफिलिएट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है उसका। इन सब चीजों से बहुत लोग अर्न करते हैं और बहुत सारे बिजनेसेस भी ग्रो करते हैं क्योंकि ये एक मार्केटिंग कॉस्ट काफी कम हो जाती है, एक्विजिशन कॉस्ट काफी कम हो जाती है, आपको एक अच्छा ट्रैफिक भी मिल रहा है और काफी लोग इसको यूटिलाइज करके अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर और डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ग्रोथ भी लेके आते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आपको मैथ्स में एक्सेल में होना अच्छा बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। अगर मैं इंटरव्यूज जब लेता हूं या मेरे इंटरव्यूज जब होते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग में हाई पेइंग जॉब्स जो होती हैं, हाई पेइंग जॉब्स में सबसे पहले डिमांड करी जाती है कि आपका एनालिसिस पॉइंट अच्छा होना चाहिए, आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए, आपका दिमाग एनालिटिकल बेंड, मतलब आपको ये समझाना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है और डेटा के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। तो जो भी आपको डिजिटल मार्केटिंग के बंदे मिलते हैं जो आपको सिर्फ इंस्टाग्राम ग्रोथ दिखा रहे हैं आपको या सिर्फ एसईओ के बारे में बता रहे हैं, वो एंटायरली सही नहीं है। जो हाई पेइंग जॉब्स हैं डिजिटल मार्केटिंग में और जो असली रिक्वायरमेंट होती है कि डिजिटल मार्केटिंग करता क्या क्या है, डिजिटल मार्केटर करता क्या क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होना चाहिए, इन्हीं सब सीक्वेंसेस में काम चलते हैं और ये सब करता है डिजिटल मार्केटिंग। मुझे 8 साल हो गए हैं इन सब फील्ड्स में मैंने काम करा हुआ है। इसके अलावा और भी फील्ड्स हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हैं, इन्हीं से इवॉल्व हुए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, एक और चीज आती है प्रोग्रामेटिक, जैसे कि आप मीडिया कैसे बाय करते हैं। बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज बल्क में डेटा बाय करती है कि मेरे को इन सारी वेबसाइट्स पर ऐड दिखानी है, फेसबुक मेरे को एक हफ्ते के लिए इन्वेंटरी बुक करनी है, मैं कैसे करूंगा। उसमें आपको मीडिया बाय करने का तरीका, मतलब आपको इन्वेंटरी जहां पे आपकी ऐड दिखेगी वो कैसे खरीदना है, किस प्राइस पॉइंट पे, वो सब लगाते हो और वो अपने आप में बहुत बड़ा एक फील्ड है। तो प्रोग्रामेटिक भी एक फील्ड है जो इन्हीं डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट से, इन्हीं प्लेटफॉर्म से इवॉल्व हुआ है। अगर आप गूगल एड्स की बात करते हो तो गूगल एड्स अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। गूगल एड्स में इन डेप्थ में काम करने में लोगों को एक्सपर्टीज लग जाती है, बहुत टाइम लग जाता है और गूगल हमेशा इवॉल्व हो रहा है, सेम फेसबुक के साथ है। सो गूगल और फेसबुक सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे एक्सपर्टीज लेना बहुत जरूरी है। ये एक डिजिटल मार्केटिंग का बंदा रोज करता है। आप जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं आपको लगता है यार ये तो डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा होगा, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है उसको गूगल एड्स के बारे में इनडेप्थ में बताओ, जरूरी नहीं है उसको एसईओ के बारे में इनडेप्थ में बताओ, जरूरी नहीं है उसको फेसबुक के इनडेप्थ के बारे में नहीं बताओ। इन सब चीजों को गैदर करने में आपको समझने में काफी टाइम लगता है और आपके जो मार्केटिंग स्पेंड्स होते हैं बेसिकली ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको पैसा डालना पड़ता है, उसके बाद आपको बिजनेस मिलता है ताकि बंदा आपकी वेबसाइट पे आए, आपकी ऐप पे आए। वो बंदा बिजनेस का भी ध्यान रखता है। डिजिटल मार्केटिंग का बंदा एक टेक्निकली, और अब मैं कहूंगा कि आज डेट में मार्केटिंग का ही बंदा है। मार्केटिंग का बंदा जो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहा मार्केटियर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी हर एक फील्ड में डिजिटल की प्रेजेंस की जरूरत है, चाहे वो जितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। तो उस केस में एक डिजिटल मार्केटियर आपका हर दिन ये सब काम करता रहता है। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत बिजनेस ग्रोथ में होती है, तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू देखता है कि मैंने अगर 10 रुपए लगाया तो मेरे को 100 रुपए मिल रहे हैं या नहीं, 10 रुपए लगाया तो मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं या नहीं मार्केटिंग में। और डिजिटल मार्केटिंग में काफी स्कोप जो हो जाता है वो चेंज हो जाता है जब आपके मार्केटिंग स्पेंड्स बढ़ जाते हैं। मैं एक महीने में 5 करोड़ 4 करोड़
90 तक डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करे हुए बिजनेसेस के लिए जिनको ग्रोथ भी उतने टाइम्स चाहिए थी, तो उस केस में मार्केटिंग स्पेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप 1,00,000 रुपए महीने का लगा रहे हैं उसके लिए थोड़ा और डिफरेंट स्किल सेट चाहिए अगर आप, लेकिन 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ महीने में डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं आपको काफी ज्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, डेटा जो फॉर्म होता है वो इतना सारा होता है कि क्या बताऊं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि डिजिटल मार्केटर क्या करता है, और आपको ये सब भी पता चल गया कि मैं क्या करता हूं। मैंने ये सब चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिजिटल मार्केटिंग में करी हुई है, क्रिएटिव बनाने से लेके वीडियो एडिटिंग तक, और क्या कहते हैं काफी ऑपरेशनल काम क्रिएटिव अपलोड करने तक, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, लिंक्डइन, कोरा, आप जहां पे भी एड्स देखते हैं, जो भी आपको टाइप की एड्स दिखती है उन सब पे मैंने काम करा हुआ है। सो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, और आगे ऐसे वीडियोस और डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस, सोशल मीडिया रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और मेरी वीडियोस को देखते रहें। शुभ रात्रि, शब खैर, धन्यवाद।